द मॉडल हेड का मैं क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ना है और समझना है। टिक द करेक्ट आंसर। वेयर डिड मॉडल हेड लिव? मॉडल हेड कहाँ रहता था? द पीटूस के। ही टाइड हिज टाई अराउंड हिज वेस्ट, यानी कि वो अपने टाई को अपने कमर में बांध लिया, वह तुस्की में रहता था। एट लंच ही स्प्रेड सम बटर ऑन हिज हैंड, यानी लंच में वो अपने सर पर बटर लगा लेता था। रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ही ऑलवेज गॉट मिक्स्ड विथ हिज क्लॉथ। ही वोर हिज मिटन ऑन हिज शू, फॉरगेट हिज कॉलर इन हिज हेस्ट एंड टाइड हिज टाई अराउंड हिज वेस्ट। तब चलते हैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। वेयर डिड मॉडल हेड वेयर हिज मीटर, यानी कि वो अपने दस्ताने को कहाँ पहन लेता था? ऑन हिज टो, यानी कि पैर में। व्हाट डिड ही फॉरगेट इन हेस्ट, यानी कि वो क्या भूल जाता था? टाई, हर बड़ी में वो अपना टाई भूल जाता था और कमर में ही लपेट लेता था। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम पिटुस्की गेट हिज क्लोथ्स मिक्स्ड अप, तो इसका आंसर हो जाएगा ही ऑलवेज गोट मिक्स्ड अप विथ क्लोथ्स ही वोर हिज मटन ऑन हिज टो, फॉरगेट हिज कॉलर इन हिज हेस्ट एंड टाइड हिज टाई अराउंड हिज वेस्ट, यानी कि सी का एक आंसर हो जाएगा। चलते हैं सी का दो नंबर। व्हाट डू यू थिंक दैट द मैन फ्रॉम पिटुस्की वांटेड टू डू व्हेन ही स्क्रैच्ड अ पीस ऑफ ब्रेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वांट्स टू ईट हिज ब्रेड, लेकिन वो इतना भुलक्कर था कि वो ब्रेड खाना ही भूल जाता था और उसको कुतरने लगता था। व्हाट डिड द मैन से टू द कंडक्टर, यानी कि वो आदमी कंडक्टर से क्या बोला? व्हेन वी रीच द स्टेशन आई स्टॉप यू टू बेग, यानी कि जब हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें भीख मांगने से रोक दूंगा। व्हाट वॉज द कंडक्टर so frightened that he lost his sleep, यानी कि कंडक्टर इतना भयभीत क्यों हो गया कि वह उस रात सो नहीं सका, तो इसका सी का फोर का आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आई एम ऑफ फॉर ए वीक वेकेशन आई स्टॉप यू टू बेग, नहीं 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 इसका आंसर यहां से होगा, देख सकते हैं। द कंडक्टर was so frightened that he lost his sleep, the main cause is, इसका मुख्य कारण ये हो जाएगा। I am off for a vacation, the model head Petuski says, and as soon as we reach the station, I stop you to beg your convoy tar, इसका यही आंसर हो जाएगा। तुम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर द नेचर्स मैसेज टू मैनकाइंड।